शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने रास्ते पर जड़ी बूटी बेच रहे दाम्पत्य के साथ बदसलूकी करते हुए महिला के साथ मारपीट की है। ऐसी शिकायत पीड़ित महिला ने खामगांव शहर पुलिस स्टेशन में किया है। महाराष्ट्र के बुलढाणे जिले के खामगांव शहर में रास्ते पर बैठकर जड़ी बूटी बेचकर अपना उदार निर्वाह का काम भुसावल शहर का वितोड़ा परिवार करता है। 28 जनवरी को ये परिवार अपने दुकान रास्ते के किनारे लगाए बैठा था। दोपहर के समय रेलवे गेट के समीप ये परिवार खाना खा रहा था, तभी नशे की धुन में पुलिस कांस्टेबल देवराज चौहान वहां आया और पीड़ित महिला संगीता वितोड़िया के साथ बदसलूकी करते हुए मारा और फिर परिवार का उपजीविका का सामान अपने पैरों से फेंक दिया। इस शराबी पुलिसकर्मी द्वारा सामान का फेंका फेंक का वीडियो पास में खड़े किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। पुलिसकर्मी की इस हरकत से घबराया हुआ परिवार सीधे खामगांव शहर पुलिस स्टेशन पहुंचा और थानेदार संतोष टाले से मिलकर उन्हें पूरी हकीकत बताई। पीड़ित महिला की शिकायत लेते हुए उसका मेडिकल करवाया गया तथा मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद शराबी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कर न्याय का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया गया। पुलिस वाला भर्ती पहन के आया था। क्या क्या उन्होंने मारा? मारा क्या होगा? पूरा बोल। औरत को मारा, गंदी गंदी गाली बकरा वो उसको। क्यों? मम्मी बोला गंदी गंदी, वैसे ही बुला रहा वो दारू पी के। और बाबूजी को मालूम है क्या, मैं कितने दिन से आता हूँ यहाँ पे? बहुत दिन हो गए मेरे को आते आते, कभी गलती काम नहीं किया हमने आज तक। बकल नंबर पूछो ना। कहाँ थे तुम? कहाँ बैठे थे? यहीं बैठा था सर, यहाँ पे। कौन है वो? पीवे थे क्या? दारू पीवे? अरे नहीं, वो दारू पी के आया था, फिर लट मारा उसने आके तुरंत। कौन है वो? कौन है ये? तो कौन है वो? वो कौन है? पुलिस वाला है के जाने कौन है? अरे राम जी, अरे क्या राम जी, तुमने क्या धोखा कर रखा है तुमने? हेड कांस्टेबल, पुलिस हेड कांस्टेबल देवराज चौहान, ये कर्मचारी बुढ़ाना में संलग्न है, वहाँ ड्यूटी करता है और खामगांव में रहता है। आज तारीख 28/1/2019 को दोपहर को एक महिला संगीता नामक महिला खाना बना रही थी। यहाँ खाना क्यों बनाती, इस कारण से हेड कांस्टेबल देवराव चौहान ने उसको गाली गलौज करके मारपीट की है। ऐसी तकरार खामगांव में दर्ज हुई है, हमने उसको मेडिकल भेजा है। एक्स्ट्रा रिपोर्ट आने के बाद में अगली कार्रवाई करेंगे।